दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद अभिनंदन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं PCSJ के बारे में आपके साथ अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, पहला इंटरव्यू PCSJ का मैंने सन 2000 में दिया था, यूपी PCSJ का। उसके बाद में सन 2002 में झारखंड PCSJ दिया, 2003 में MPPCSJ दिया था। अब सफलता न मिलना, मिलना, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, आपके हाथ में है परिश्रम करना। परिश्रम से कभी भी आदमी को पीछे नहीं हटना चाहिए। देखिए, उपनिषद की एक कथा आती है दोस्तों, उसमें क्या है कि एक ब्राह्मण भीख मांगने जाता है, द्वार पर पहुंचता है, माँ दरवाज़ा खोलती है, पूछती है, बेटा बहुत सुबह आ गए। वह कहता है, माँ मैं कल से ही चला था। यानी जो हमारी जीवन यात्रा है वह बहुत दिन से चल रही है। हो सकता है कि हमारे कर्म में कुछ कमियां रही हों, भाग्य में कुछ कमियां रही हों, जो भी हो, मैं फाइनल हमारा नहीं हो पाया। तो फिर भी अपना अनुभव प्री मेंस और इंटरव्यू तक का आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, PCSJ में प्रोसीजर पर ज़्यादा जोर देना चाहिए और लैंड लॉ पर, IPC, CRPC, एविडेंस, लैंड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये पांच जो सब्जेक्ट हैं, यदि आप इन पर कमांड कर लेते हैं तो ये मानिए कि आपका 60% तैयार हो गया है। हमारे समय में तो यूपी में 40 नंबर का उर्दू सब्जेक्ट आता था, उर्दू भी आती थी, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने स्वाध्याय किया था। हमको एक नशा हो गई थी, और सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ते थे लेकिन उर्दू अवश्य पढ़ते थे, 20 मिनट पढ़ते थे। अभी मुझे उर्दू से लगाव है और अपने समय की पुस्तक रखा हूँ। तो देखिए, हम लोग इस समय कुछ क्या, बहुत सारी कमियां थी। आज तो बाज़ार में भी बहुत से गाइडें हैं, आपको गाइडेंस देने वाले भी गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। हम कीर्तगंज मोहल्ले में रहते थे, कुछ यदि हमको कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी होती थी तो या दारागंज जाते थे, आल्लापुर जाते थे, क्योंकि कंपटीशन के गढ़ थे। ये देख, हमारे मोहल्ले में भी बहुत लोग थे, कई लोग थे, और इंटरव्यू देते थे, सिलेक्शन भी पाए, लेकिन उससे बहुत कमी थी। तो क्या कमियां रह गई, उसका मैं अनुभव करता हूं। देखिए, हम क्या करते थे, डीपली पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा, जितना नहीं पढ़ना चाहिए उसको भी पढ़ लेते थे। ये सोचते थे कि कहीं, ये दिमाग में बात रहती थी कि कहीं से भी आ जाएगा क्वेश्चन, हम कर ले जाएंगे। बाद में अनुभव हुआ कि क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं, वही पढ़ना चाहिए जो पूछे जाते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि क्या पूछे जाते हैं, हम क्या पढ़ें कि वही पूछे जाएं। इसका भी है, कुछ सेट क्वेश्चन हैं, कुछ सेट सेक्शन हैं। आइए IPC की बात करता हूँ। IPC में जो प्राइवेट डिफेंस है उसमें से अवश्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उसके बाद में अबेटमेंट, दुष्प्रेरण जिसे कहते हैं, IPC की बात कर रहा हूँ, 107, 108, इस तरह से अबेटमेंट आप पढ़ लीजिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ लीजिए, और उसके बाद में आप सीधे चले जाइए आपराधिक मानवध, यानी जो मानव के विरुद्ध अपराध किए जाते हैं, संपत्ति के विरुद्ध अपराध किए जाते हैं, उनमें चले जाइए, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब बातें मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। प्री के क्वेश्चन भी और मेंस के क्वेश्चन भी लगभग यहीं से उठते हैं, और उसके बाद में आप फिर आगे जाइए तो ये जो 511 बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि कोर्ट, कोई कोर्ट है, वह खूंटी पर टंगी हुई है, और ये आता है, उसको 20 समझ करके गोली चला देता है। अब बताइए कि उसने कौन सा ऑफेंस किया,
तो 511 में है। इसी तरह से एविडेंस में है, एविडेंस में भी सेट सेक्शन होते हैं, उन्हीं में से सवाल उठते हैं। हम लोग जानकारी के भाव में क्या कर लेते हैं कि 167 तक जितने भी सेक्शन हैं हम पूरा सेक्शन कमांड करते हैं, नहीं। जहाँ आप अनुभवी टीचरों के द्वारा, अनुभवी मित्रों के द्वारा आप यह ज्ञान प्राप्त कर लें, उससे जानकारी प्राप्त करिए कि हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन रेज होते हैं। अब आइए, इसी तरह से सीआरपीसी है, सीआरपीसी में भी कुछ सेट होते हैं। अब मान लीजिए कितने सेक्शन हैं आप जानते हैं। अब उसमें खास खास मैं आपको बता रहा हूँ, डिफिनीशन आपको देखनी है, परिभाषा अवश्य आपको देखनी है। परिभाषा के बाद में आप चले जाइए 125, 133, 141, 144, इस तरह से आगे बढ़ते जाइए, 161 उधर चले जाइए, 172, 167, 164, 167, 172। अब सारे सेक्शन का उल्लेख मैं नहीं करूँगा। उसके बाद में चले जाइए ट्रायल में, चारों ट्रायल में से एक क्वेश्चन अवश्य पूछता है मेंस में और प्री में भी पूछता है। चार्ज आप देख लीजिए, इस तरह से आप तैयारी जो है विधिवत रूप से करिए। अब आइए इसके बाद में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस हो गया, लैंड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपको डीपली पढ़ना है क्योंकि यह आपको जीके में भी आएगा और सब्जेक्ट में भी आएगा, तो इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। अब आइए सीपीसी, सीपीसी आपको फंसाती है क्योंकि उसमें सेक्शन, आर्डर, रूल ये सब हैं। उसमें भी आपको सेट सेक्शन हैं, सेट आर्डर और रूल हैं। ये सब बातें मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको बताता रहूँगा, आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। आप हमारे चैनल से जुड़िए और आवश्यक जानकारी प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।